नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे चैनल में बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर लेखपाल की भर्ती कब आ रही है, और मैं उसका जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आती है, जब तक कोई सही न्यूज़ ना हो, तब तक क्या खबर दिया जाए। तो दोस्तों, अब ये भर्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये राजस्व परिषद और सरकार की वजह से ये भर्ती लेट हो गई। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था पहले कि अधीनस्थ करवाएगा कि राजस्व विभाग करवाएगा, तो वो तो मामला क्लियर हो गया है कि वो ये परीक्षा पर अधीनस्थ ही करवाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लेट हो गया। तो दोस्तों, ये आज की अपडेट ये है कि आज 9 तारीख को 9 जुलाई को हिंदुस्तान में खबर छपी हुई है, आइए देखते हैं क्या खबर है। तो दोस्तों, खबर ये देखिए, ये लेखपाल के 4000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, डेट दिया इसमें 9 जुलाई 2018। और ये पेपर दोस्तों, ये हिंदुस्तान के ई पेपर में है, लिखा हुआ है कि राज्य सरकार सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे लोगों के रोज़गार का बड़ा द्वार खोलने जा रही है। राजस्व परिषद में लेखपाल के खाली करीब 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, यही एक बड़ी खबर इस समय है कि जो राजस्व परिषद ने इन भर्तियों को भरने के लिए जो प्रस्ताव भेजा था, उसको मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है। और फिलहाल अभी तो 2-3 महीने इसमें अभी लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद में अभी इसको कैबिनेट ने मंजूर नहीं किया। जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी, उस दिन इसको मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद में फिर इसका काम अधीनस्थ से आगे बढ़ेगा। और ये इसकी तो पुष्टि अधीनस्थ के अधिकारी कर ही चुके हैं कि ये जो भर्ती है, ये अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी ही करवाएगा। तो दोस्तों, अभी 2-3 महीने आप लोगों के पास हैं, और इसके लिए पहले नियमावली बनाई जा चुकी है कि अब जो राजस्व परिषद का जो भी परीक्षा होगी लेखपालों की, तो उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य है। दोस्तों, कंप्यूटर का कोर्स जिसके पास ना हो, तो अभी समय है, अभी वो कर लें। इसके ये सत्य है कि इसमें इस बार कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा और साक्षात्कार नहीं होगा, तो लिखित परीक्षा होगी। और ये परीक्षा हो सकता है कि इसका विज्ञापन सितंबर तक आए। और ठीक है दोस्तों, फिर आज तक की खबर यही है, फिर जैसे भी कोई नई अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। इसी तरीके की खबरें प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब भी कोई खबर आएगी तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।